गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम 13th और 14th अप्रैल के करंट अफेयर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई के किस सेक्शन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर को मना नहीं कर सकती, अगर पब्लिक इंटरेस्ट है वो ओवरशेडो करता है प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट को। राइट आंसर है सेक्शन 8 सबसेक्शन 2। सो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर को मना नहीं कर सकती, अगर पब्लिक इंटरेस्ट है वो ओवरशेडो करता है प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट को। आरटीआई की बात करें तो आरटीआई के तहत प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है मिस्टर सुधीर भार्गव। आरटीआई एक्ट की बात करें तो ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और ये एंटायर इंडिया पर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया है जिसमें एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। इन्हें प्रेजिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और जो प्रेजेंट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो है मिस्टर सुधीर भार्गव। जो फर्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे वो थे मिस्टर हबीबुल्ला। किन भारतीय पर्सनैलिटी को रूस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल के लिए सेलेक्ट किया गया है? राइट आंसर है मिस्टर मोदी। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को रशिया ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया है। इसके अलावा रिसेंटली यूएई की सरकार ने मिस्टर मोदी को जायद मेडल से सम्मानित किया था। इसके अलावा मिस्टर मोदी को रिसेंटली सियोल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो रिसेंटली डॉक्टर राजेंद्र जोशी हैं, उनको 2019 के प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और मिस्टर नंबी नारायणन हैं, उनको 2019 के पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनके अलावा मिस करेन उहलेनबेक हैं, वो पहली महिला बनी है जिन्होंने अबेल प्राइज जीता है। अबेल प्राइज मैथमेटिक्स से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, जलियावाला बाग मैसेकर है वो किस वर्ष में हुआ? राइट आंसर है 1919। वो 1919 में हुआ था और इस साल 13 अप्रैल को उस हॉरिफिक इंसिडेंट को 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके अलावा जलियावाला बाग की बात करें तो जलियावाला बाग मैसेकर पर एक पोएम भी लिखी गई थी, ये थी खूनी वैसाखी, जिसे मिस्टर नानक सिंह ने लिखा था। और रिसेंटली इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है मिस्टर नवदीप सूरी के द्वारा। जलियावाला बाग इंसिडेंट है वो पंजाब में हुआ था और रिसेंटली पंजाब ने इंडस डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल के तौर पर डिक्लेयर किया है। इसके अलावा 106 इंडियन साइंस कांग्रेस है वो भी पंजाब में ही हुई थी, ये पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई थी। और इस इवेंट में डीआरडीओ को एग्जीबिटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इसके अलावा डीआरडीओ ने रिसेंटली फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, इसे मिशन शक्ति का नाम दिया गया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर है UNFPA। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने रिसेंटली स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स की बात करें तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की है। इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग है 140। फिनलैंड है वो इस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर है। इसके अलावा रिसेंटली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की थी, इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया गोल्ड रिजर्व के मामले में 11th पोजीशन पर है। फर्स्ट पोजीशन पर USA, सेकंड पोजीशन पर जर्मनी और थर्ड पोजीशन पर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। सो कंट्री वाइज अगर बात करें तो इंडिया 10th पोजीशन पर है। इसके अलावा रिसेंटली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर नाम की एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके हिसाब से सऊदी अरबिया विश्व का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, इंडिया दूसरा बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है और इजिप्ट तीसरा बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। इसके अलावा रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट जारी की है। किस मोबाइल वॉलेट प्रोवाइडर ने MMTC PAMP इंडिया के साथ टाई अप किया है गोल्ड बाइंग फीचर के लिए? राइट आंसर है गूगल पे। गूगल पे ने MMTC PAMP इंडिया के साथ टाई अप किया है। अब कस्टमर्स हैं वो गूगल पे की मदद से गोल्ड को ऑनलाइन बाई और सेल कर सकते हैं। गूगल की बात करें तो ये US की एक कंपनी है, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी।
इसके फाउंडर्स हैं लैरी पेज एंड सरगेई ब्रिन, और प्रेजेंटली मिस्टर सुंदर पिचाई हैं वो गूगल के सीईओ हैं। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट। इसके अलावा रिसेंटली गूगल ने एक बोलो नाम की ऐप लॉन्च की है जिससे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो हिंदी और इंग्लिश सीख सकें। नेक्स्ट है, किस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने चेन मेल्टेड स्टेट ऑफ मैटर है उसको डिस्कवर किया है? राइट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। सो रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के साइंटिस्ट ने फिजिकल मैटर की एक नई स्टेट डिस्कवर की है। इस स्टेट के हिसाब से एटम है वो सॉलिड और लिक्विड एक ही टाइम पर हो सकते हैं, यानी कि अभी तक तीन स्टेट थी। इन जनरल ये तीन स्टेट थी लिक्विड, सॉलिड और गैस। अब कोई भी एटम है वो एक ही टाइम पर लिक्विड और सॉलिड के तौर पर एग्जिस्ट कर सकता है। आईपीएल की हिस्ट्री में 100 मैचेस जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? राइट आंसर है मिस्टर धोनी। सो मिस्टर धोनी हैं वो आईपीएल की हिस्ट्री में 100 क्रिकेट मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं। वो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। इसके अलावा क्रिकेट की बात करें तो रिसेंटली मिस्टर सुरेश रैना हैं वो पहले ऐसे बैट्समैन बने हैं जिन्होंने आईपीएल में 5000 रन बनाए हैं। मिस्टर सुरेश रैना भी चेन्नई सुपर किंग्स के बैट्समैन हैं। इसके अलावा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीनियर एडवोकेट मिस्टर पीएस नरसिम्हा को क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए मीडिएटर के तौर पर अपॉइंट किया है। इसके साथ साथ रिसेंटली ESPN क्रिकेट इन्फो ने IIT मद्रास के साथ मिलकर सुपर स्टैट्स लॉन्च किया है। सुपर स्टैट्स एक नेक्स्ट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिससे क्रिकेट स्टेटिस्टिक्स को एनालाइज करने में मदद मिलेगी। ह्यूमो लुजेनोसिस है जो कि रिसेंटली न्यूज में था, वो किस कंट्री में डिस्कवर किया गया? राइट आंसर है फिलीपींस। ये फिलीपींस में डिस्कवर किया गया। रिसेंटली साइंटिस्ट ने फिलीपींस में एंशियंट ह्यूमन एक्सकेवेशंस के नई स्पीसीज हैं वो डिस्कवर किए हैं। फिलीपींस की बात करें तो ये एक एशियन कंट्री है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। रिसेंटली फिलीपींस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपनी सदस्यता वापस ली है। इसके अलावा मलेशिया है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रिसेंटली मेंबर बना है। इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। इसके अलावा फिलीपींस है वो एशिया में टॉप पोजीशन पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के हिसाब से। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है, और इस इंडेक्स के हिसाब से आइसलैंड टॉप पर है और फिलीपींस 8th पोजीशन पर है, जबकि एशिया में फिलीपींस टॉप पोजीशन पर है। इंडिया की रैंकिंग है 108th। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी फिलीपींस में ही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। नेक्स्ट है, अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर में कौन सा देश गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री होगा? राइट आंसर है इंडिया। सो इंडिया अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री होगा। अबू धाबी की बात करें तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है। रिसेंटली अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट ने हिंदी को 3rd ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है वहाँ के कोर्ट्स के लिए। इससे पहले अरबिक और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा था। इसके साथ साथ UAE की बात करें तो UAE ने और सऊदी अरबिया ने मिलकर एक कॉमन डिजिटल करेंसी अबेर लॉन्च की है। इसके अलावा UAE सरकार ने लूज टू विन प्रोग्राम शुरू किया है ताकि लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में एनकरेज किया जा सके। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है उसकी मोस्ट रिसेंट मीटिंग भी UAE के अबू धाबी में हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मुख्यालय सऊदी अरबिया के जेद्दा में स्थित है। नेक्स्ट है, डिफेंस फाइनेंस के नए सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? राइट आंसर है मिस गार्गी कोल। सो मिस गार्गी कोल है वो डिफेंस फाइनेंस की नई सेक्रेटरी अपॉइंट की गई है। उनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज की बात करें तो मिस्टर संजय मित्रा हैं वो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जबकि मिस्टर राजीव गाबा हैं वो होम सेक्रेटरी हैं। मिस्टर विजय केशव गोखले हैं वो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जबकि मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। मिस्टर प्रदीप कुमार सिन्हा हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।